स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इससे ठीक पहले 86 के लोग कचरे को हटाने के लिए जिम्मेदार प्रतिनिधियों के खिलाफ सड़क पर उतर आए, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। इस प्रदर्शन में समाजसेवी संदीप सरावगी ने भी पहुंचकर समर्थन दिया है। झांसी क्षेत्र के बड़ागांव बाजार क्षेत्र के वार्ड नंबर 59 रोड पर कूड़ा घर हटाने को लेकर जब किसी ने क्षेत्रवासियों की बात नहीं सुनी तो अब उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ ली है। सड़क पर कचड़े घर को लेकर नगरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसको लेकर उन्होंने रोड पर जाम लगा दिया, जिससे जाम की स्थिति बन गई। इस मौके पर समाजसेवी संदीप सरावगी भी क्षेत्रवासियों के समर्थन देने पहुंचे हैं। संदीप सरावगी ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि कूड़ा घर यहां से हटवाए जाए। उन्होंने कहा कि आज यह स्थिति आ गई है कि हमारे घर के प्रतिदिन हमारे बच्चे बीमारियों से जूझ रहे हैं, डेंगू और कोरोना जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए आज इस गंदगी से बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि गंदगी होने से यहाँ पर आवारा जानवर भी पूरे दिन घूमते हैं, जो लोग के मुसीबत का सबब बन जाते हैं। विद्यालयों से लौट रहे छात्र छात्राओं को भी सड़क पर कचरा होने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, लेकिन झांसी के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से मोदी की स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे मोहल्लेवासियों ने आंदोलन करते हुए कहा कि यह कूड़ा घर नहीं हटेगा तो आंदोलन पर बैठे रहेंगे। साथ ही उन्होंने गंदगी दूर नहीं होने पर विधानसभा चुनाव को बहिष्कार करने की बात कही है। बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये आंदोलन कर रहे हैं ये लोग कचरे की समस्या को लेकर। किस तरह की परेशानी है सब जानना चाहेंगे। किस तरह की परेशानी है यह तो माननीय हर आदमी को मालूम है किस तरह की परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर शहर के बीचम बीच सारे जहाँ आबादी रहती है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलना चाहते हैं, यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा दिया जाता है, गंदगी का ढेर लगा दिया जाता है, इससे अनगिनत बीमारी हो रही है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चल रहा है उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं यहाँ पर, जबकि शहर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ कूड़ा घर बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं यहाँ पर। हमारी तो शायद समझ से बाहर है, लेकिन कई लोग जो बीमार हुए हैं, कई परिवार जो परेशान हैं, वो लोग आज हमारे पास आए। गोलू भैया ने हमें अवगत कराया कि भैया यहाँ पे टेंशन बहुत बढ़ रही है, और अपन ने पार्षद को, माननीय विधायक जी को, सारे लोगों को ये भैया अवगत करा चुके हैं गोलू भैया, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया आवाम मरने लगे, आवाम चिल्लाने लगे कि यहाँ कहीं पे भी कोई भी असुविधा हम लोगों के बीच में होगी वहाँ पर तो हम लोगों को बैठना ही होगा। तो माननीय लोगों से निवेदन है मेरा, किसी हालत में यह कूड़ा घर बंद करा दें। शहर में कहीं भी घनी आबादी में कूड़ा घर होता ही नहीं है, जो शहर के बाहर होता है, और इतना सा हम लोगों के पक्ष में निर्णय जरूर लीजिए, क्योंकि वोट किए हैं आपको, अस्तित्व बनाए हैं आपका, हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिससे कि पब्लिक जो मर रही है, जो तो ना मरे, जो बीमारियाँ फैल रही हैं वो तो ना फैले। इसीलिए हम लोग आज बैठे। कचरे का जो ढेर लगा है ये कितने समय से लगा है और ये कब? भाई साहब कई सालों से लग रहा है, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, आदमी निकल जाता है, माता बहन है, बच्चे बगल में स्कूल है, पढ़ने आते छोटे छोटे, बहुत गंदगी का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक अलग लगता है, कई बुजुर्ग कूड़े में गिर पड़ते हैं, कई परेशानी है, खासतौर से 20-25-50-100 परिवार जो अगल बगल रह रहे हैं, इनके यहाँ तो ये स्थिति है, इनके यहाँ कोई ना कोई बीमारी बना रहता है, क्योंकि जो बदबू है ना, अगर सामने मुरली मनोहर का मंदिर जो वास्तव में देवी स्थान है, हम लोग श्रद्धा के साथ वहाँ नमन करते हैं, बहुत बड़ा हमारे यहाँ का मंदिर है, वहाँ पे भी आदमी इसी कूड़े में से निकल के इसी गंदगी में से जाता है, सहन नहीं हुआ, बैठ गए साहब। कचरा क्या मोहल्ले वाले फेंकते हैं? नहीं, कहाँ का ढेर रहता है, क्या होता है, कई जगह से, कई वार्डों से जो ठेले वाले वो इकट्ठा करके यहाँ डाल देते हैं। जब वो कचरा डला रहता है तो 2-4 घंटे बाद, हो सकता है 2 दिन बाद, हो सकता है 3 दिन बाद, कभी 4 बजे, कभी 2 दिन बाद ट्रॉली आती है, नकल नकल तो उठाती है। कचरा इकट्ठा करना शहर के बीच में क्या मतलब है इसका, क्या चाहती है गवर्नमेंट? सरकार तक ऐसी क्या बात पहुंचाना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? यही बात पहुँचाना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि पब्लिक को बचा लो, इन्हें बीमारी से बचा लो, स्वच्छ भारत का आप एक हिस्सा बनो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्वच्छ भारत और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही हम लोगों ने ये जीत दिलाई है, और मैं आशा करता हूँ कि जो पब्लिक यहाँ पे वास्तविकता में बीमारियों से जूझ रही है इसे किसी तरह बचाएं हम, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। आज आप इस आंदोलन से जुड़े हुए हो लोगों के साथ, क्या मांग रखना चाहते हैं आप सरकार से और क्या निवेदन करना चाहते हैं?
जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर आगे बढ़कर देश में पूरा स्वच्छता अभियान बड़ी समर्पित भावना से पिछले 7.5 साल से चल रहा है। उस अभियान के अंतर्गत झांसी स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में साकार हो रहा है। फिर भी हमारे नगर के हृदय क्षेत्र बड़ा बाजार से बड़ा गेट मार्ग पर स्थित ये कूड़ाघर नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर ज्वलंत प्रश्न चिन्ह सामने प्रस्तुत करता है। नगर में स्वच्छता मिशन अभियान बहुत जोर शोर से है। विधानसभा चुनाव में इस मोहल्ले के इस क्षेत्र में कोई वोट मांगने जब आएगा ना, तो उसको पता पड़ेगा कि इधर पे क्या स्थिति है। और अब कोई वोट मांगने इधर पे आ नहीं पाएगा जब तक ये कूड़ा घर नहीं हटाया जाएगा। ये पूरे मोहल्ले के लोगों ने जो है कि शपथ लेने का जो है काम किया है। आज कोई भी चुनाव नहीं आ रही इधर पे, बीजेपी का समझ लो विधायक से लेकर सांसद तक सारे इस क्षेत्र में है, सभी को इस चीज़ की अवगत है, सारे पार्षदों को इस चीज़ का अवगत है कि इधर से किस तरह से निकलना पड़ता है। सारे पार्षद नाक बंद करके इधर से निकल जाते हैं। किस तरह की सरकार चाहे आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन चल रहा है, टीवी लाइव देख रहे हैं। कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए हैं। नगर निगम में करोड़ों रुपये जो आता है झांसी की स्वच्छता के लिए खर्च किया गया, इधर से कूड़ा घर नहीं हटा सकते। झांसी से हर्षदीप अरोड़ा के साथ आर्यन शर्मा की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. Moon City Escapes Builders प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक residential, commercial, JDA approved project Space Moon City. Gated complex, high-tech security और 100% power backup के साथ premium apartment और independent villas, साथ ही rich landscaping. Space Moon City लाए हैं आकर्षक और आरामदायक lifestyle. Swimming pool, indoor games सहित आधुनिक club house आपके आधुनिक lifestyle के लिए. Shopping and entertainment के लिए national और international brands के साथ shopping mall और multiplex. Space Moon City 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है Space Moon City।